एक बार स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश वीडियो में। तो यार अपडेट के बाद तो यार लोग पता चली गया होगा अपडेट कब है। तो यार 20 तारीख को यार अपना जो अपडेट आने वाला है, और इस अपडेट के अंदर हमारे क्राफ्टलैंड के अंदर भी यार रैंक सिस्टम आने वाला है, यानी कि जो हमारा कस्टम रूम है जिसके अंदर आप क्राफ्टलैंड बनाते हो ना यार, रूम क्रिएट करते हो, उसके अंदर भी रैंक सिस्टम आने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली रैंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका रैंक दिखा देगा कि आप कौन से रैंक पे हो, तो उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा हर रैंक का एक रिवॉर्ड होता है, तो यार यहाँ पे भी रैंक का रिवॉर्ड दे रखा है। तो मैं भी इसके अंदर जो जो रैंक रिवॉर्ड दे रखा है, मतलब ये जो सब बोर्ड वगैरह है, इगन की स्किन है, तो ये थोड़ी सी चेंजेस हो सकती है क्योंकि एडवांस सर्वर में जो चीज़ें आता है वो हमारे जो रियल सर्वर से ग्लोबल सर्वर होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे जो लास्ट में है इमोट मिल रहा है, तो हो सकता है इमोट हमारे लास्ट के अंदर मिले, पर ये परमानेंट शायद से नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग पता होगा कोई भी रैंक सीजन का जो भी इमोट आ रहे सारे के सारे वो सिर्फ 60 डेज के लिए हो रहा है, टाइम पीरियड के लिए हो रहा है। तो इस तरीके से आपको टाइम पीरियड के ही जो यार अब मिलेगा जो रैंक रिवॉर्ड होने वाले हैं शायद से। ठीक है ना, नॉट कन्फर्म, अभी तक जब आएगा तब पता चलेगा, पर ये कन्फर्म है कि आपको रैंक जो है देखने को मिलेगा क्राफ्टलैंड के अंदर। और आपको जो है एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, मतलब ये जो रैंक का जो पॉइंट है ये कैसे मिलेगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा रूम, रूम को आप जो भी अपना मैप बनाते हो मैप को आपको शेयर करने पड़ेंगे, मैप के अंदर जो लाइक मिलेगा, कितने मैप को आपके आपके जो जो भी आपने क्रिएट किया वो कितने जनों ने प्ले किया है, आपने कितना प्ले किया, उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उस हिसाब से आपका जो लेवल बढ़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इस तरीके से आपको रैंक रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं।